सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। स्टार्ट द राइट पाथ इस ब्रीद वाक्य के साथ शिक्षा ही नहीं तो बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर देकर उनके भविष्य को निखारने के मकसद से एजुकेशनल सेक्टर में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर उल्लेखनीय कार्य करने वाले वाशी स्थित द लर्निंग कर्व प्री स्कूल, डे केयर और एक्टिविटी सेंटर ने अपना एनुअल डे स्पेस इस थीम के साथ बड़े ही जोशो खरोश और उमंग के साथ वाशी स्थित मराठी साहित्य मंदिर में मनाया, जहां आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में सेंटर के बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर डाला। इस दौरान रंग बिरंगे परिधानों में नन्हे नन्हे बच्चों ने अभूतपूर्व नृत्य प्रस्तुतियों से ऐसा समा बांधा कि माहौल इतना जोशीला हो गया था कि अभिभावक और शिक्षक भी खुद को रोक नहीं पाए और वो भी बच्चों के साथ भरपूर आनंद उठाते नजर आए। इस दौरान नन्हे बच्चे गणपति बाप्पा मोरिया, ट्विंकल ट्विंकल, चंदा चमके चमचम जैसे गानों पर थिरकते नजर आए। इस दौरान एनएमटीवी से बात करते हुए द लर्निंग कर्व की ओनर झूमर मित्रा ने द लर्निंग कर्व की खासियत पर प्रकाश डाला। हमारी कोशिश यह रहती है कि हम थोड़ा अलग है बाकी के स्कूलों से। तो जैसे हमारे सिर्फ 20 बच्चे रहते हैं एक क्लास में, उसके लिए एक टीचर दो दीदी रहते हैं, तो 1:6 का रेशियो रहता है कि 6 बच्चों के पीछे एक अडल्ट होना चाहिए। प्लस हमारे वॉशरूम्स जो है वो बच्चों के लिए बनाया हुआ है, इन द सेंस छोटा वॉशरूम है, नीचे है ताकि बच्चे कॉन्फिडेंटली यू नो टॉयलेट और पॉटी के लिए जा सके, खुद से हाथ धो सके। तो ये थोड़े अच्छे हाइजीन फैक्टर्स भी बच्चे सीख लेते हैं कि खाने के बाद हाथ धोना है या पॉटी या सुसु करने के बाद हाथ धोना है, और उनके लेवल पे है तो वो आसानी से ये सब करते हैं। इसलिए हमारा सबसे अच्छा जो है वो लाइव कैमरा एक्सेस है कि पेरेंट्स हमारे पास बच्चे छोड़ते हैं, बाहर जाएंगे तो उनको दिखता है कि बच्चा एक्चुअली क्या कर रहा है, रो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, खेल रहा है, तो उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और हम लोग बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ करते हैं डे केयर में, जैसे हम लोग पपेट शो करते हैं, स्टोरी रीडिंग करते हैं, लाइब्रेरी सेशंस रखते हैं। आगे उन्होंने कहा कि विभिन्न एक्टिविटी का आयोजन कर द लर्निंग कर बच्चों के आत्मविश्वास का स्तर बढ़ाने की कोशिश करता है। तो जैसे हम लोग काफ़ी सारे साल भर में एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जैसे स्पोर्ट्स डे करते हैं तो हमारे बाहर जाके हम स्कूल्स के बड़े प्लेग्राउंड्स लेते हैं, वहाँ ऑडियंस आती है, उनके सामने वो स्पोर्ट्स करते हैं। हमने अभी ऑडिटोरियम बुक किया है, वहाँ जाके बच्चे परफॉर्म करते हैं। ओवर द ईयर ऑल्सो हम लोग काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ इन द सेंटर रखते हैं जहाँ पर बच्चे अलग अलग तरीके से परफॉर्म करके दिखाते हैं। तो ये जो डर है कि 10 लोगों के सामने खड़े रह के बोलना है या कुछ करके दिखाना, ये डर उनके मन से चले जाता है तो उनका वो कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा बढ़ता है। रिलेशनशिप मैनेजर राधा बत्रा ने द लर्निंग कर्व में बच्चों की सुरक्षा के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं इस पर प्रकाश डाला। एंट्रेंस पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है, वो आपसे पहले तो आपका नाम पूछेगा, आपसे बुक में एंट्री करवाएगा, उसके बाद में वो अंदर जाके, अगर न्यू फेस है तो अंदर जाके फ़ोन पे या अंदर जा कर के हमारे सेंटर हेड को या काउंसलर को बताएगा, उनसे परमिशन लेगा, उसके बाद आपको अंदर भेजेगा। पेरेंट्स के लिए हम पिकअप एंड ड्रॉप कार्ड देते हैं जो कि पेरेंट्स को बच्चों को लेने के टाइम पे सिक्योरिटी को दिखाना रहता है, और उसके अलावा अगर पेरेंट नहीं आ सकता है तो हम पेरेंट को कहते हैं फ़ोन करके, मोबाइल पे फ़ोटो भेजना है, क्लिक करके मेल भेजना है उनके अलावा कोई और आ रहा है तो, और हैंड ओवर करने के पहले हम डेफिनेटली पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं। प्लस हमारे पास लाइव कैमरा एक्सेस है, तो आजकल ये जो चाइल्ड अब्यूज़ और काफ़ी चीज़ आप देख रहे हैं तो हमारे स्कूल में वो सब प्रैक्टिस नहीं होता है, इसीलिए हम लोगों ने पेरेंट्स को वो कॉन्फिडेंस देने के लिए ही लाइव कैमरा एक्सेस दिया है। द लर्निंग कर्व वाशी सेंटर की मैनेजर रंजना पाटिल ने कहा कि द लर्निंग कर्व बच्चों का दूसरा घर है, इसीलिए उच्च दर्जे की सुविधा देने में उनकी प्राथमिकता होती है। मैं पिछले 4 सालों से लर्निंग कर्व के साथ काम कर रही हूँ और यहाँ पे हम लोगों को हेड ऑफिस से ट्रेनिंग भी मिलता है। सो जैसे ही पेरेंट्स के कंसर्न होते हैं तो हम लोग उनको वर्कआउट करते हैं एंड देखते हैं कि बच्चा सेफ रहे एंड
उसको ये दूसरा घर होता है बच्चों के लिए, तो उस तरीके से उनका पूरा ख्याल रखते हैं। अगर दवाई देना होती है वो भी हम लोग सब कुछ फॉलो करते हैं। खाना हम लोग जो भी है फ्रेश बना के बच्चों को खिलाते हैं, ऐसे नहीं कि समथिंग लेफ्ट ओवर वी आर गिविंग देम। ऑलवेज फ्रेश फूड वी आर प्रोवाइडिंग देम एंड वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड अवर बेस्ट सर्विस टू देम। अपना बच्चा अपने लिए खुद से ज़्यादा बढ़कर हम लोग उन लोगों को प्यार करते हैं, तो दैट्स वाई दे आर लाइक ट्रेजर फॉर देयर पेरेंट्स। तो जितना अच्छा ख्याल हम लोग रख सकते हैं, दे आर अवर प्रेशियस असेट, ऐसा समझ के हम लोग उनको ट्रस्ट करते हैं। ऐसे नहीं है कि बच्चे हैं नहीं चलो आने दो करके, वी आर गिविंग देयर ऑल अवर लव एंड केयर। तो वही अभिभावकों ने द लर्निंग कर्व द्वारा दी जाने वाली सुविधा पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा कि लर्निंग कर्व में हमारे बच्चे सुरक्षित है। वो जा रहा है ऑलमोस्ट आई थिंक जब वो 1.5 साल का था, तो तब से हमने उसको डाला है। सो ओवरऑल इस 3.5-4 साल में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बिकॉज स्टार्टिंग से लेके अभी तक देर आर डिफरेंट स्टेजेस। बच्चा 1.5 साल का होता है, 2 का होता है, देन 3, सो उसकी बहुत सारी चॉइसेस रहती है, डिमांड होती है, बट दे अंडरस्टैंड वेरी वेल। और बहुत बार ऐसा हुआ कि हमको कुछ प्रॉब्लम है और डिफरेंट स्टेज से हम जा रहे हैं, सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। कभी कभी क्रैंकी होना या फिर कभी कभी नहीं भी अच्छा है, और हम लोग को ऑफिस में काम है बिकॉज हम दोनों काम करते हैं, सो उसीलिए इसको यहाँ पे रखा हुआ है। सो एकदम नया था जब भी ये स्टार्ट हुआ, 1.5 साल का था आने भी फॉर अस ऑल्सो, बिकॉज पहला बच्चा है हमारा, जो ऑब्वियसली वी आर बहुत बहुत कॉन्शियस है, बट ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, खाने से लेके क्या हो रहा है, क्या उसके स्किल्स हैं, कहाँ पे उसको डालना चाहिए, सो वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट हमको मिला। साइशा लर्निंग कर्व में आई थिंक अराउंड 2.5 ईयर्स से है। आई एम अ वेरी फिनिकी पेरेंट, मैं छोड़ नहीं सकती थी, तो मैंने साइशा का जब स्टार्ट किया था तो आई यूज़ टू सेंड अप फॉर 1 आवर ओनली, एंड वो भी मैं बाहर बैठी रहती थी, एंड तब दूसरी इनकी मैम थी, एंड शी यूज़ टू कॉल मी एवरी 20 मिनट्स सेइंग साइशा ने अभी ये किया है, शी इज़ ओके, साइशा रो नहीं रही है अभी, ओके। धीरे धीरे करके आई 2-3 घंटा ऐसे करके आई स्टार्टेड माई जर्नी। सो आई एम बाय नेचर वेरी दिस अबाउट बट, एंड देन वो कैमरा से लगातार अपने बच्चे को देखना, दैट वॉज वन थिंग कि मैंने लर्निंग कर्व चूज़ किया था, बट जाने के बाद मुझे फील हुआ कि शायद उसकी ज़रूरत नहीं है, तो नाउ आई डोंट वॉच ओवर 1.5 ईयर्स, आई डोंट वॉच साइशा ऑन कैमरा, I kind of trust that she is okay there. मेरा बच्चा विहान कुछ 1-1.5 साल का था, तब से यहाँ है। सबसे बढ़िया बात लर्निंग कर्व की ये है कि बच्चा सेफ है, बहुत उसकी बहुत ध्यान रखते हैं, एक एक चीज़ जो इंस्ट्रक्शंस पेरेंट से जाता है बच्चों को, उस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है। मेरा बच्चा कुछ 4.5 साल से है वहाँ पे, और एकदम घर जैसा एनवायरनमेंट मिलता है उसको वहाँ पे, और हम लोग वी आर वेरी हैप्पी विद लर्निंग कर्व। गौरतलब है कि दुनिया में शिक्षा से बड़ा और कोई नेक काम नहीं, इसलिए शिक्षक ही है जो कल के भविष्य को अपने ज्ञान और शिक्षा से आकार देकर उन्हें सही दिशा में ले जाने का महत्वपूर्ण काम करते हैं, और इसी लगन के साथ द लर्निंग कर्व अपना दायित्व निभाते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।